हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में क्या खास है, क्या सीखने वाले हैं। देखिए, एक्सेल से खास कुछ ना कुछ गूगल शीट में ज़रूर होता है और वही फीचर्स गूगल शीट को खास बनाते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फुल नेम लिखा हुआ है और फुल नेम में से हम यहाँ पर टाइप करते हैं RAM, राम। तो ये राम टाइप कर दिया हमने, फिर एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है राम, तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं RAM। तो जैसे ही RA टाइप करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मार्ट फिल नाम का ये ऑप्शन आ जा रहा है और जैसे ही इस पर मैं टिक करता हूँ तो ये पूरा ही स्मार्ट फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लास्ट नेम में भी कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, आखिर क्या यूज किया मैंने कि ये पॉसिबल हुआ, ये आपको बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टाइप करता हूँ रीता और यहाँ टाइप करता हूँ गुप्ता। ठीक है, तो ये एक और नाम हमने टाइप कर दिया और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा ऑटो फिल हुआ पड़ा है। अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ तक तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। इसी तरीके से कुछ और लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ SAU सौरभ, सौरभ सिंह लिख देता हूँ। तो ये सौरभ सिंह लिखा हमने और जैसे ही सौरभ सिंह लिखेंगे और यहाँ पर इसको वापस से ड्रैग कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे किया मैंने, आइए आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे सीट नंबर टू पर। सीट नंबर टू पर सेम डेटा मैंने ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर लिखना है LEFT लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट के बाद हमको ये देखना है कि हमें ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, तो इसी पर लगाएंगे और ड्रैग करते हुए नीचे चले जाएंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये है B2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम B2 और कॉमा दे देंगे और फिर लिखेंगे फाइंड। फाइंड का फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड का फॉर्मूला यूज करने के बाद इसमें हम यहाँ पे एक बार गैप दे देंगे, कॉमा देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे B2। ठीक है, अब इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है -1। ठीक है, बस एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो गया है, सजेस्टेड ऑटोफिल आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसका फायदा ये है कि यहाँ पर अगर आप कोई नेम इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ हिना, ठीक है, खातून होता है, तो ये हो गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ और अगर मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ तो देखिएगा जादू, इसको ड्रैग करवाया मैंने, तो ड्रैग करवाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखता हूँ जैसे रितेश, तो ये एक और नाम लिख दिया हमने रितेश सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सजेस्टेड ऑटोफिल है ये ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। ठीक है, तो पाऊंगा ये देखिए, ये ड्रैग करवा रहा हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यही फर्स्ट नेम जो है आ जा रहा है। तो ये इस फॉर्मूले की मदद से बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।